Hi guys, welcome to my channel ANR Gaming. So, इस वीडियो में हम बात करने वाले जायरो के साथ स्कोप सेंसिटिविटी को कैसे कंट्रोल करें. So, चलते हैं ट्रेनिंग में. So, let's pick up M416 and its ammo. And also pick up backpack. Then we will pick up extended mag, flash hider, angle foregrip, half grip, and most important scope. So scope pick कर लिया. So चलते हैं स्प्रे करने. जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा स्कोप ऊपर की ओर चला जा रहा है. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंसिटिविटी पर जाकर कस्टमाइज़ करें. देन एडियस सेंसिटिविटी पर जाकर 4x देख सकते 17 पर है. इसको +3 करके देखें. सो चलिए स्प्रे करके देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्कोप पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है. सो देन फिर सेंसिटिविटी में जाकर एडियस सेंसिटिविटी में जाकर 17 से -3 करके देखें. सो लेट्स चेक गाइस. अब आप देख सकते हैं हमारा स्कोप पूरी तरह से कंट्रोल में है. ये एकदम एक्यूरेट स्प्रे दे रहा है. ये तो बात हो गई 4x की. अब चलिए 6x देखते हैं. सो सबसे पहले 6x का स्प्रे चेकअप करते. जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी इसका भी स्कोप ऊपर की ओर चला जा रहा है. सो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सेंसिटिविटी पर क्लिक करेंगे. देन एडियस सेंसिटिविटी पर जाकर 6x 27 पर है. इसको +3 करके देखेंगे. सो लेट्स चेक. आप देख सकते हैं इसका भी स्कोप ऊपर की तरफ जा रही है. पूरी तरह से एक्यूरेट स्प्रे नहीं दे रहा है. सो फिर एडियल सेंसिटिविटी पर जाकर अब +3 किए थे 27 को, 27 को -3 करके देखेंगे. तो चलिए स्प्रे करते हैं. देखिए अब ये हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में एकदम एक्यूरेट स्प्रे दे रहा है. अब इसका स्कोप पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें.